इसका फाइनेंस इकॉनमी के बारे में। मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, ना आई एम बाई प्रोफेशन इन इंजीनियर बाई चॉइस आई एम इकॉनमिस्ट, शौक रखता हूँ इकॉनमी का। $19 बिलियन की आपके रिजर्व थे 6 महीने पहले, आज आपका क्या पोजीशन है? $14 बिलियन। इम्पोर्ट बिल सर आपका जो रिकॉर्ड शो करता है, मेरे उस लेफ्ट साइड ऑफ द आइल पर बैठे हुए लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, $55 अरब का आपका इम्पोर्ट है, $55 अरब का। एक्सपोर्ट क्या है? 22 अरब की। नेट कमी कितनी होती है? सादा लफ्जों में 32 बिलियन की नेट कमी है। अब उस तरह आप देखें, मैंने कहा रिजर्व आपका 14 बिलियन का है, वेयर आर यू हेडिंग फॉर? लास्ट मंथ क्या होता है? जुलाई अगस्त के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट गवर्नमेंट का फिगर 2.6 बिलियन आपका डेफिसिट है पर मंथ, 2.6 बिलियन, और दिस विल अमाउंट टू अबाउट 30 बिलियन एट द एंड ऑफ द ईयर अगर इस तरह चलता है। मैं लेफ्ट साइड से पूछता हूँ, 30 बिलियन आपको अगर 14 बिलियन आपका सादा लफ्जों में 14 रुपए आ गया, 14 बिलियन आपके पास है, 30 बिलियन तक ये स्टैटिस्टिक दिखाती है आप जब पहुंचेंगे, व्हाट आर वी हेडिंग? इसमें मैं मियां जी को कहूं शाबाश, तुम यू डूइंग वेरी वेल, छोड़े मियां जी को, छोड़े सबको, छोड़े वेयर आर आवर कंट्री हेडिंग फॉर? इफ दिस इज द वे वी हेड फॉर, वी आर इन सीरियस ट्रबल। इसका चेयरमैन साहब आपके जो 14 बिलियन का आपका रिजर्व है, इस 14 बिलियन भी बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है। इसके अंदर फॉर योर इंफॉर्मेशन देयर इज अ विंडो ड्रेस इनबिल्ट थिंग ऑफ 4 बिलियन का, इसके आपने कमर्शियल बैंक से लोन उठाया हुआ है, जो हम नेशनल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अल्फला बैंक, उससे $4 बिलियन का आपने उठाया है, तो 14 बिलियन का भी फिगर गलत है पे इसके लिए 10 बिलियन का, 1.5 महीने की आपके पैसे, 1.5 महीने के आपके पास पैसे वापस देने के। दिस इज हाउ सीरियस द सिचुएशन इज। अगर आप कोई प्राइवेट अदारा होते या अपना आपका अदारा होता, आपको रात में नींद नहीं आती, नींद अपनी जगह, आपको एक ये मसला, एक आपका अपना मसला सर के ऊपर, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, हाउ कैन यू हैंडल दिस? इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, यू मस्ट पास ऑन दिस टू समवन एल्स। देयर आर नंबर ऑफ सेनेटर्स हु आर नॉलेजेबल इनफ, लेट देम होल्ड दिस पोर्टफोलियो एंड लेट देम हैंडल दिस थिंग। इसके बाद सर जो आपका कराची स्टॉक केस इंडेक्स इसको कहते हैं, जो एग्जैक्ट फिगर है 1950 अरब आपने यूज किया सर, $18 बिलियन आपने यूज किए पिछले एक साल के अंदर। जो इंडेक्स था 52,947 पर था 6 महीने पहले, आज क्या 52,000 से गिर गया 40,000 पर? दिस इज एरिया प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्ट, आपकी इम्पोर्ट क्यों गलत हो रही है? आपका जो डॉलर टू रूपी पैरिटी है वही गलत है, आपने 103 पर स्टेबल रखा हुआ है। People like have to sit down, intellectuals, parliamentarians, economists have to sit down कि आप तो 103 पर hold करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस पर hold करेंगे तो आपकी import और भी ज़्यादा 55 अरब से और भी ऊपर चले जाएंगे, export आपकी 25 अरब से गिरके 20 अरब पर। Who's really think about it कि क्या आपने TDAP बनाया, Ministry of Commerce बनाया, Ministry of Finance बनाया, what are they doing? उधर बैठे क्या पॉलिटिशियन को तो छोड़े, मिनिस्टर जो अपनी जगह छोड़े, he's not here. वो ब्यूरोक्रेट, वो आपका बैठा है डीएमजी ऑफिसर, ही हैज नॉट द फेंटेस्ट आइडिया हाउ टू रन द फाइनेंस, ही कैन नॉट इवन रन द फाइनेंस ऑफ हिज हाउस। रियली लीव असाइड, वो क्या ब्यूरोक्रेट जितने बैठे, आर दे प्रोफेशनल? दे आर नॉट। आर दे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? दे आर नॉट। आर दे आईसीएमए? दे आर नॉट। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू रन दिस थिंग? और ये सर इसे चलते हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर आपने सिविल सर्वेंट लगा दिया, क्या आप सोचे आप, मैं अपनी कंपनी का या आप अपनी कंपनी का सीएफओ, आप एक सिविल सर्वेंट लगाएंगे? व्हाई डू गेट दैट कि कानून में बिजनेस जो गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस है या एसएससी का कानून है, वो क्यों कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा? व्हाई डू यू से कि डीएमजी ऑफिसर होगा? आई एम नॉट अगेंस्ट डीएमजी ऑफिसर, डीएमजी ऑफिसर का अपना रोल है, बट ही कैन नॉट फिल इन दैट गैप।
ना इंडिपेंडेंट सेक्टरी हेल्थ ना इंडिपेंडेंट सेक्टरी एनर्जी, तो ये अदारे इस तरह खत्म होने शुरू होते हैं। ये सर स्टेट एंटरप्राइजेस जब मैं बात की तो मार्केट में सारे आपको फिगर्स ही दे रहा हूँ, फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। 503 अरब रुपए आप पहले फाइनेंस करते थे स्टेट ओन एंटरप्राइज, पीआईए हो गया, रेलवे हो गया, स्टील मिल हो गया, सारे इस साल आपका 503 से बढ़कर 1058 हो गया। मेरा भी हेडिंग को स्टील मिल आप बंद नहीं कर सकते, प्राइवेटाइजेशन आप कर नहीं सकते, मेरे से लोग उसको अपोज करते हैं, ऑपरेशन में आ जाते हैं। प्राइवेटाइज आप जेब से पास 3 साल से स्टील मिल को पैसा दिए जा रहे हैं, 1 किलो की सरिया नहीं बना, 1 किलो की स्टील नहीं बना, आप उसको दिए जा रहे हैं। मेरा हेडिंग अपने जेब से पैसा है, सरकार अवाम का पैसा लगी जा रहा है, उसका हल नहीं है। सर द फ्यूचर बैटल्स विल नॉट बी फॉट, ये बड़ी दफा कहा गया, बैटल्स विल नॉट बी फॉट ऑन द बैटलफील्ड, दे विल बी फॉट ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। यहां हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करनी चाहिए। ये सारा सर आई जस्ट एंड अप बिफोर यू से एवरीथिंग सर, आई जस्ट एंड अप कि मैं ये सारा ये कहना चाह रहा हूं कि ये आपकी सिचुएशन है, दिस हाउ ग्रेव सिचुएशन इज, दिस इज वेयर द गवर्नमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स। और आखिर में फिर आप ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, यही वजह इसीलिए निकाला। शुक्रिया।